नमस्कार। इस समय आप एक समाचार सुन रहे होंगे कि चाइना की मीडिया कह रही है कि भारत के पास में 14,000 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं जो कि चीन को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती है, ये कहा चाइनीज मीडिया ने। दोस्तों, यहां पर चाइनीज मीडिया ने सच नहीं कहा और भारत की ताकत को कम करके बताया है। दोस्तों, हमने आपको बहुत समय पहले एक वीडियो बना के बताया था कि भारत हर साल 8 से और 10,000 रॉकेटों का निर्माण कर रहा है। 2013 से ही भारत रॉकेटों का निर्माण कर रहा है, उसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों के जो रॉकेट होते हैं वो भी हैं और ब्रह्मोस मिसाइलें भी हैं। देखिए दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन बढ़ाया नरेंद्र मोदी ने 2015 के बाद, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका खेली थी कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि चाइना कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी प्रेशर बनाता था और उस समय कांग्रेस पार्टी चाइना को ज़्यादा जवाब नहीं देती थी। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि भारत बहुत ज़्यादा मिसाइलों का प्रोडक्शन करेगा, और जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उसने इस प्रोडक्शन को बहुत तेज कर दिया है। दोस्तों, आपको दिमाग में रखना होगा कि 14,000 की बात चाइना कर रहा है, लेकिन हमने आपको बताया था कि भारत के पास इस समय 20,000 से ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें या अन्य मिसाइलें मिलाकर मौजूद हैं जो चाइना की रीढ़ तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, 14,000 मिसाइलें इतनी ज़्यादा होती है कि इससे चीन के 94 लाख स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर बमबारी की जा सकती है। हालांकि ये शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं, लेकिन ये हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस 2 जो है वो हाइपरसोनिक है, यानी ध्वनि से कई गुना ज़्यादा रफ्तार, और ब्रह्मोस मिसाइलें सुकोई फाइटर प्लेन से भी दागी जा सकती है। यानी भारत दुनिया का वो पहला मुल्क है जो बहुत भारी मिसाइल को फाइटर प्लेन से भी गिरा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि फाइटर प्लेन में जो मिसाइलें लगती हैं उनका जो वेट होता है वो कुछ कम होता है, लेकिन ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो फुल साइज मिसाइल है, और भारत ने 5 साल के कड़े संघर्ष के बाद ये सफलता हासिल की कि सुकोई फाइटर प्लेन से ब्रह्मोस दागना। कांग्रेस पार्टी ये अच्छे से जानती थी कि जब चीन से युद्ध होगा तो ना अमेरिका साथ देगा और ना ही चाइना साथ देगा, सॉरी मित्रों, ना ही रूस साथ देगा, केवल ये दोनों देश हथियारों की पूर्ति करेंगे बस। इसलिए कांग्रेस ने चीन से लड़ने की पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी है, और जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने इस तैयारी को और ज़्यादा गति दी। आप खुद सोचिए कि जब 5,000 मिसाइलों से तिब्बत पे हमला किया जाएगा तो क्या तिब्बत में एक घास का तिनका भी बचेगा? नहीं दोस्तों, वहाँ कुछ नहीं बचेगा। हम नहीं कहते हैं कि चीन के पास इतनी मिसाइलें नहीं हैं, चीन के पास भी है, लेकिन चीन को इतनी मिसाइलें तिब्बत में लाना चीन के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह चीन की मुख्य भूमि से 4,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन भारत को अपनी सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइलें या कोई भी मिसाइल ले जाने के लिए मात्र 600 से और 1200 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये जो चाइना कहता है कि भारत के पास में 14,000 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, यहाँ पर भी चीन ने भारत की ताकत को कम बताया है। भारत के पास में ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लगभग इस समय 20,000 से ज़्यादा हैं। हमने DRDO के बहुत सारे वैज्ञानिकों के आर्टिकल पढ़े हैं जिनसे साफ क्लियर होता है कि भारत के पास में इस समय 20,000 से ज़्यादा मिसाइलें मौजूद हैं। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए पूरे सबूत के साथ में वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें क्लियर करेंगे कि देखो, यहाँ पर भारत 20,000 मिसाइल बनाकर रखा है। धन्यवाद दोस्तों, वेट कीजिए अगली वीडियो का, जिसमें हो सकता है हम आपको बताएं कि भारत के किन किन जगहों पर ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है। हालांकि यह सूचनाएं कन्फर्म हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ जगहों का मालूम हमें ज़रूर है।
सरकार की तरफ से ये चीज़ें गुप्त रखी जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें लीक हो जाती है। और जो चीज़ लीक हुई है कि कहाँ कहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण तेज गति से हो रहा है, उसकी जानकारी हमारे पास में है। हो सकता है हम आपको अगली वीडियो में बताएं। धन्यवाद।